कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत जॉन क्रिसोस्टम का पर्व मनाते हैं। यह एक महान संत हुए हैं जिन्होंने कलीसिया की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित किया। 386 ईस्वी में यह पुरोहित बने और उसके बाद इन्होंने अपना जीवन काल में जो कार्य किए हैं वह अद्भुत है। इन्होंने कलीसिया की सेवा में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। इन्होंने कई वर्षों तक प्रभु के अनुग्रह और कृपा में बढ़ने के बाद ये लोगों की सेवा में आगे बढ़ते रहे। इन्होंने प्रभु की सेवा की और लोगों की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। 12 वर्षों तक पुरोहित के रूप में यह रहे और उसके बाद मेट्रोपोलिस के यह धर्मादर्श बनाए गए। जो कोई भी इनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे वे अपनी आँखों में आंसू लिए और पश्चाताप उनके हृदय में हुआ करता था, क्योंकि वे विशेष रूप से उन लोगों को धिक्कारते हैं जो अमीर हैं और जो लोगों की सेवा नहीं करते हैं, जो अपना धन स्वयं के लिए रखते हैं और दूसरों की सेवा में नहीं लगाते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, इसलिए उन्हें विशेष रूप से कहा जाता है स्वर्णिम मुख, जो गोल्डन माउथ के नाम से भी जाने जाते हैं। और उनके जीवन काल में उन्होंने जो कार्य किए हैं वह अद्भुत और प्रशंसनीय है। इनकी मृत्यु 14 सितंबर 407 ईस्वी में हुई थी और यह संत विशेष रूप से जो प्रभु का प्रचार करते हैं उन लोगों के संरक्षक संत माने जाते हैं। संत जॉन क्रिसोस्टम से प्रार्थना करें कि वे हमारे लिए निरंतर प्रभु के सम्मुख विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि हम भी उनके समान जीवन जी सकें।